सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं YDC टेक। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटीवायरस के ऊपर। हमको सच में एंटीवायरस की ज़रूरत होती भी है लैपटॉप PC में, या फिर हम ऐसे ही पैसे वेस्ट करते रहते हैं? हर साल हम वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लेके 500-600 रुपये उस पर वेस्ट करते रहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा कि आपको सच में एंटीवायरस की ज़रूरत है भी या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा यूज़र्स को। आप जिसमें भी फिट होते हो उस हिसाब से आप एंटीवायरस ले सकते हो या फिर नहीं भी ले सकते हो। तो होता क्या है दोस्तों, हम जब भी लैपटॉप PC खरीदते हैं तो सबसे पहले हमको लगता है कि हमने एक एंटीवायरस खरीदना चाहिए जो कि हमारे लैपटॉप PC को प्रोटेक्शन देगा। अभी वर्ल्ड में जो है ना, 90% जो OS यूज होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, उसके बाद जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है वो मैक होता है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ना, जिसका सबसे ज़्यादा OS यूज होता है जो कि विंडोज़ है, फिर वो एक विंडोज़ XP हो सकता है, विंडोज़ 7 हो सकता है, विंडोज़ 8, 10 या फिर कौन सा भी वर्जन यूज़ हो सकता है। तो ऐसे में आपको कभी ना कभी एक सवाल आया होगा कि इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी हमको टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतना मतलब अपडेट हो चुका है सब कुछ अभी टेक्नोलॉजी के बारे में, तो फिर भी हमको आज तक एंटीवायरस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों नहीं कोई कंपनी खुद के OS में ही एंटीवायरस सेट कर रही थी? तो एक्चुअल में आपका सोचना भी बराबर है, बट हमको ये पता ही नहीं है कि हमारे लैपटॉप में PC में जो OS है उसमें एक एंटीवायरस है। विंडोज़ का एक खुद का जो प्रोटेक्शन देने का एक जो सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम एंटीवायरस भी कह सकते हैं, विंडोज़ डिफेंडर करके उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, बट हमें पता नहीं होता है, फिर भी हम एंटीवायरस खरीदते हैं और हमारे लैपटॉप PC में इंस्टॉल करते रहते हैं, हमारे पैसे ऐसे ही वेस्ट हो रहे थे। तो विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 तक तो ठीक है आप एंटीवायरस यूज़ करते थे, बट विंडोज़ 10 जो है ना माइक्रोसॉफ्ट का, वो सबसे फेमस है और सबसे सेफ भी माना जाता है, क्योंकि उसमें जो भी अपडेट्स देती रही है माइक्रोसॉफ्ट, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड उसको बना के रखा है। वो हर टाइम उसके अपडेट देते रहते हैं, उसको प्रोटेक्टेड करते रहते हैं। तो ऐसे में आपको एंटीवायरस की ज़रूरत किसको पड़ सकती है, किसको नहीं पड़ सकती है, मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। कैटेगरी नंबर 1 में जो है ना, वो ऐसे यूज़र आते हैं जो ज़्यादा लैपटॉप का यूज़ है ना इंटरनेट के लिए यूज़ नहीं करते, या फिर कोई एक्सटर्नल डिवाइसेज उसमें कनेक्ट नहीं करते, मेमोरी कार्ड, मोबाइल्स या फिर हार्ड ड्राइव। तो इस कैटेगरी में आपको एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर जो वायरसेस होते हैं ना वो इंटरनेट से ही अटैक होते हैं, और अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस अफेक्टेड है वायरस से तो उससे ही वो इंटर होगा आपके लैपटॉप में। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एंटीवायरस की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर पैसे वेस्ट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। और टाइप नंबर 2 कैटेगरी में जो यूज़र्स आते हैं, वो ऐसे यूज़र्स होते हैं जिनका फ्रिक्वेंटली जो इंटरनेट यूसेज होता है, वो ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उनका इंटरनेट के सिवाय कोई काम ही नहीं होता है। तो ऐसे में जो वायरस अटैक का जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो फिर अगर आप एक्सटर्नल डिवाइसेज ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, इंटरनेट यूसेज बहुत ज़्यादा है, तो एंटीवायरस का अटैक होने का चांस भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा सा एंटीवायरस लेना चाहिए जो कि आपके डेटा को प्रोटेक्शन दे सके अच्छे से। तो ऐसे में आपको कौन सा एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है, आपको कौन सा, आपकी चॉइस जो होगी, आपको जो अच्छा लगेगा वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं किसी भी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, बट मैंने कुछ दिनों पहले क्विक हिल का टोटल सिक्योरिटी लिया था 2 PC 1 ईयर के लिए। तो मैं इसकी कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने खुद बाय किया है और मुझे पर्सनली थोड़ा सा अच्छा लगा। ऑलमोस्ट 4-5 कंपनीज के एंटीवायरस यूज़ किए हैं, तो उसमें से मुझे एक अच्छा लगा, तो मैं क्विक हिल का ही ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपको एक क्विक ट्यूटोरियल दे दूंगा कि एंटीवायरस यूज कैसे करना, इंस्टॉल कैसे करना है। देखते हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बता दूंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको ब्राउज़र ओपन करना है कौन सा भी एक, और उसमें आपको वेबसाइट ओपन करनी है क्विक हिल की, इसलिए यहाँ पे मैंने टाइप किया। उसके बाद आपको सबसे पहले लिंक पे ही क्लिक करना है क्विक हिल के। उसके बाद अगर आप नीचे देखते हो यहाँ पे, तो आपको आपका जो प्रोडक्ट की है वो एंटर करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट की एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सबमिट बटन प्रेस करना है। उसके बाद कुछ ऐसा ओपन होगा एक पेज, और उसके यहाँ पे डाउनलोड सॉफ्टवेयर करके आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद सेव फाइल क्लिक करना है। सेव फाइल क्लिक करने के बाद डाउनलोडिंग तो थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद आपको वो फाइल ओपन करनी है जहाँ पे आपने डाउनलोड किया हुआ है। देखिए ये
ये एक सी फाइल आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो उस पर क्लिक करके आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको डेस्कटॉप पे कुछ एक आइकॉन मिलेगा, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ये थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे डाउनलोड होने के लिए। उसके बाद आपको डेस्कटॉप पे देखिए ऐसा कुछ आइकॉन मिलेगा क्विक फाइल का, इस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन करना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे क्विक फाइल का सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद रेस्ट करना, वहाँ पर आपको क्लिक करना। उसके बाद फिर से आपको एक बार आपका जो प्रोडक्ट की वो एंटर करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट की है वो मैंने एंट्री कर दी। यहाँ पे पूरी एंट्री होने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे प्रेस करना है। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सी बार हम सोचते हैं कि ये सिर्फ कोई टेक्निकल पर्सन ही कर सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं, कोई भी कर सकता है इसे। उसके बाद आपको परचेस जहाँ से किया है वैसा कुछ नाम डाल देना है, सागर कंप्यूटर्स मैंने डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट कहना है हमको। उसके बाद आप कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपके रजिस्ट्रेशन के लिए लगेंगे, तो आपका पूरा नाम, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी मतलब दो बार डालना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है, और ये सब होने के बाद कंट्री, स्टेट और सिटी है। बहुत ही सिंपल चीज़ है जो कि मुझे लगता है बताने की ज़रूरत भी नहीं किसी को, कोई भी आजकल कोई भी कर सकता है इसे। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है नीचे, जिसके यहाँ पे मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, कंट्री, स्टेट वगैरह, महाराष्ट्र, और सिटी का नाम भी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। तो उसके बाद आपको सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सिंपल मतलब यहाँ पे आपने जो जो इनपुट दिए वहाँ का वो आपको दिखाएगा, और एक बार फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और कंप्लीट प्रोसेस आपकी यहाँ पे हो चुकी है फिनिश पे क्लिक करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे सीधा सीधा आपको यहाँ पे सिस्टम में आपका सॉफ्टवेयर ओपन होगा, स्कैन ना होकर के आपका पीसी एंटीवायरस रेडी। तो दोस्तों ये था एक एंटीवायरस के बारे में पूरी जानकारी, कि कौन से यूज़ करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, किसको यूज़ करना चाहिए। तो अगर सच में वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यूट्यूब के एनालिटिक्स मुझे शो कर रहे हैं कि 70% पीपल आर नॉट सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन इंस्टेंटली आपको मिल जाए। और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।